तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डिस्कवर 100 सीसी बाइक का माइलेज का वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे गैरेज में आया बजाज कंपनी का डिस्कवर 100 सीसी बाइक है और ये DTSI बाइक है। और इस बाइक में माइलेज सेटिंग करना है कैसे, ये हम आपको बतलाएंगे। क्योंकि माइलेज सेटिंग करने से पहले कुछ आपको हम जरूरी टिप्स बतला रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइक में, यह आपको दिख रहा होगा, यह ऑटो चौक लगा है, ऑटोमेटिक चौक। जब हम बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं, बाइक का चौक लग जाता है और बाइक जब स्टार्ट हो जाता है तो 5-6 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक चौक छूट जाता है, चौक से हट जाता है बाइक। और इसका ये वायर है, इस वायर को हमने अनबॉक्सिंग कर रखे, इसको ओपन कर रखे हैं जॉइंटर को, क्योंकि इसका जो ऑटो चौक है वो ख़राब हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कार्बोरेटर के ऊपर जो देख रहे हैं ऑटोमेटिक चौक ये लगा है, ख़राब हो चुका है। इसके कारण से भी आपका बाइक का माइलेज जो है प्रॉपर सही नहीं रहेगा। तो अगर आपका बाइक जब स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक चौक से नहीं हट रहा है, तो आप ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं, सॉकेट को सेट करके भी आप चेकअप कर सकते हैं कि आपका बाइक का चौक खराब है या सही है। इसके लिए आपको इस तरफ का ये साइड पैनल ओपन करना पड़ेगा। और दूसरा जो हो गया बाइक का, वो है एयर फिल्टर। इसके अंदर फोम फिल्टर लगा हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से इसको क्लीन कर सकते हैं या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं माइलेज कैसे सेटिंग करना है। साइड पैनल को हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पे जैसे कि देख रहे हैं, आपको 2 स्क्रू मिल जाता है। एक जो आप ये स्क्रू देख रहे हो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है, और ये दूसरा जो है सो बाइक का RPM सेटिंग करने का स्क्रू है, जिसको मैनुअल रेस कम बेसिक करने का ये स्क्रू है। जो हम बाइक स्लो करते हैं तो बंद नहीं होना चाहिए, बाइक स्टार्ट रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइक को स्टार्ट कर लेंगे। तो बाइक हमारा प्रॉपर स्टार्ट है, अब क्या करेंगे हम इसको डबल कर क्लीन करना उसको। तो फ्रेंड्स ये जो स्क्रू है ये फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है, और ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं बाइक का RPM सेटिंग करने का स्क्रू है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को फुल टाइट कर लेंगे ऐसे। जैसे इसको हम फुल टाइट किए, बाइक मेरा बंद हो गया, यहाँ से हम थोड़ा RPM ज़्यादा कर लेंगे, रेस बढ़ा लेंगे, हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो बाइक को, देखो देखिए स्टार्ट करो, और RPM बढ़ाना। देखिए अभी बाइक जो है तो मेरा प्रॉपर स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है। अब हम इस जो फुल मिक्सचर स्क्रू है इसको हम आस्ते आस्ते से ढीला करेंगे। एक राउंड ढीला के बाइक बंद हो गया, स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम ढीला करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम स्क्रू ढीला कर रहे हैं बाइक का रेस बढ़ रहा है यहाँ पर। देखिए जहाँ पे बाइक का टॉप स्पीड आ जाए वहाँ पर इसको छोड़ देना है, फिर ये जो फुल ये जो RPM स्क्रू है इसको ढीला कर लेना है, यहाँ से आपको RPM सेटिंग कर लेना है। बाइक मेरा प्रॉपर स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल मिक्सचर स्क्रू और एयर स्क्रू, इसको आपको फुल टाइट करके यहाँ से RPM को ज़्यादा कर लेना है, फिर उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके ये जो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है इसको आस्ते आस्ते से ढीला करना है। जहाँ पे टॉप स्पीड आ जाए वहाँ पे इसको छोड़ देना है, फिर इसी बाइक का जो RPM स्क्रू है इससे बाइक का RPM कम कर लेना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बाइक का RPM हमने कम कर लिया, बाइक मेरा प्रॉपर चल रहा है। आप इस तरह से बाइक का माइलेज सेटिंग कीजिए, कभी नहीं आएगा बाइक में माइलेज का प्रॉब्लम। बाइक मेरा प्रॉपर स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो आप फुल मिक्सचर स्क्रू देख रहे हैं, इस स्क्रू को फुल टाइट करके इसको 4.25 राउंड ढीला कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ से RPM को सेटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स बाइक के रिलेटिव अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।